सो हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक बिगर्स में। गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे विंडोज 11 के जो आइकन होते हैं उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, लाइक जो विंडोज के फोल्डर होते हैं, जैसे विंडोज 11 के जो फोल्डर होते हैं उनको आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड इसके साथ ही जो विंडोज 11 के जो एप्स होते हैं उनके आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी देंगे आपको बहुत ही पावरफुल देंगे। वीडियो छोटा है लेकिन आपको जानकारी पावरफुल मिलेगी, फुल जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप में और देखते हैं कि आप कैसे विंडोज 11 के जो आइकन के फोल्डर होते हैं उनका साइज कैसे बदल सकते हैं, उनका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उनके जो आइकन होते हैं वो कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन में। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पर आ जाना है। डेस्कटॉप पर आने के बाद आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना है। जैसे आप राइट बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स नज़र आएगा। बॉक्स में बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन जो आपका व्यू फंक्शन है आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक नहीं करना होगा, बस आपको माउस ऊपर लेके जाना होगा। जैसे आप उस पर माउस को ड्रैग करेंगे लेके जाएंगे तो एक छोटा सा बॉक्स, मतलब दूसरा एक छोटा सा बॉक्स नज़र आएगा। उसमें बहुत सारे आइकन वाले फंक्शन होंगे, जिसमें लार्ज आइकन होगा, मीडियम आइकन होगा, स्मॉल आइकन होगा, ऑटो अरेंज आइकन होगा, अलाइन आइकन टू ग्रिड होगा, सो डिस्टॉप आइकन होगा। मतलब ये 4-5 फंक्शन आपको नज़र आएंगे। तो इन फंक्शन का यूज इस्तेमाल इसलिए होता है कि जैसे कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम डेस्कटॉप में लार्ज आइकन रखना चाहते हैं या फिर हम कभी कभी डेस्कटॉप में स्मॉल आइकन रखना चाहते हैं, तो हम इन फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने डेस्कटॉप के आइकन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो हम लार्ज आइकन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके जो डेस्कटॉप के आइकन हैं लार्ज हो गए, मतलब बहुत ही बड़े हो गए। और फिर इस पर हम क्लिक करेंगे मीडियम आइकन पर, तो देखेंगे जो हमारे डेस्कटॉप के आइकन है वो मीडियम हो गए। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे स्मॉल आइकन पर, तो देखेंगे कि हमारे जो डेस्कटॉप के आइकन हैं बहुत ही छोटे हो गए, जो कि एकदम मिनिमम है, बहुत ही छोटे हैं। फिर इसके बाद हम आएंगे ऑटो अरेंज पर। ऑटो अरेंज क्या होता है, जैसे कि ये देखिए हमारे जो ऐप हैं, तो हम कहीं भी ऐप को लेके जा रहे हैं लेकिन कहीं भी ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ऐप हैं वहीं अपने स्थान पर रहते हैं। तो इस सेटिंग को बंद करने के लिए हम ऑटो अरेंज पर क्लिक करेंगे। तो आप देखें जैसे हम माउस को लेकर जाएंगे और किसी भी ऐप को हम कहीं भी छोड़ सकते हैं, अपने मतलब अपने हिसाब से हम अपने ऐप्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऐप्स एक लाइन से नज़र आएँ तो हम राइट माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, व्यू पर आएंगे और ऑटो अरेंज पर क्लिक कर देंगे। तो देखेंगे कि जितने हमारे आइकन हैं वो एक लाइन से आ गए। तो अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप में और देखते हैं कि जो फोल्डर के आइकन होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विंडोज 11 में हम अपने फोल्डर के आइकन को कैसे चेंज करते हैं। तो आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना होगा, या फिर आपको सबसे पहले आपको कहीं कोई, जैसे ये देखिए मेरा एक फोल्डर है, सबसे पहले आपको एक क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करना होगा। आपको एक फोल्डर बनाना होगा, जैसे कि मैंने अपना एक यूट्यूब का फोल्डर बनाया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि अपने यूट्यूब का फोल्डर है उसका हम आइकन कैसे चेंज करेंगे। तो इस पर हम राइट माउस से क्लिक करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद हम कस्टमाइज़ पर जाएंगे। कस्टमाइज़ पर जाने के बाद हम चेंज आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे फंक्शन नज़र आ जाएंगे, मतलब बहुत सारे आइकन नज़र आएंगे। तो जैसे कि हमारा वीडियो वाला है, वीडियो वाला, तो हम वीडियो वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो देखेंगे कि जो हमारा जो फोल्डर का आइकन था वो बदल चुका है, आप देख सकते हैं। और ये विंडोज़ 11 ही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये विंडोज़ 10 है, ये विंडोज़ 11 है जो कि मेरे में इंस्टॉल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको विंडोज़ 11 की सारी सेटिंग इसी तरह से आपको पता चल जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको विंडोज़ 11 से जुड़ी हर जानकारी हिंदी भाषा में और सरल तरीके से आपको पता चल जाएगी। मानता हूँ कि मेरी वॉइस में थोड़ा ब्रेक हो रहा है, क्योंकि मेरी क्वालिटी एकदम पुअर है, जो मेरा माइक है एकदम बहुत ही बेकार है, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और से और अच्छा कॉन्टेंट ला सकूँ।